उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही थी। इसके बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे रहे। पूरा इलाका जय बद्री विशाल के जय घोष से गूंजता रहा। चार धाम यात्रा के चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलते ही सारा इलाका बद्री विशाल के जय घोष से गूंज उठा। इस दौरान आर्मी बैंड धुन बजाता रहा और लोगों ने जय बद्री विशाल के नारे लगाए। इसके पहले आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर को रवाना हुई। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए प्रातः 7:10 पर खोले गए। इस पावन मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचे। बद्री विशाल धाम के कपाट खुलने के दौरान धाम में करीब 20,000 तीर्थयात्री मौजूद रहे। बद्रीनाथ के साथ ही धाम में स्थित प्राचीन मठ मंदिरों में भी गेंदे के फूलों से सजाया गया। कपाट उद्घाटन के लिए टेहरी राजा के प्रतिनिधि के रूप में माधव प्रसाद नौटियाल के साथ बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्यगण और प्रशासनिक अधिकारी भी धाम में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।